वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसको क्या मिला तोहफा। नमस्कार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्य राष्ट्र सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगाई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारा उद्देश्य है मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी 5 सालों में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो, वहीं इसी साल भारत $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आगामी वर्षों में सरकार द्वारा और फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा PPP मॉडल लगाया जाएगा। 12 साल में सरकार रेल इफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ मुद्रा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन मिलेगी। 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल से निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। सरकार नारद नारायण योजना लॉन्च करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी। इसके साथ ही जनधन बैंक खाता रखने वाले महिलाओं को ₹5,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत ₹1,00,000 का कर्ज भी मिलेगा। भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है। सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI बढ़ेगी। वही बीमा में 100% FDI का इजाफा होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। साल 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट को 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपए कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 45 लाख रुपए के लोन लेने पर लोगों को 1.5 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 400 करोड़ रुपए में विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। सरकार ने नेशनल रिजर्व फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे। अब शनिवार को लोगों को 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त खर्च करना होगा। सालाना 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। अभी सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।